जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस के जॉब संज्ञान में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती की। तो दोस्तों, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो चुकी है। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी टोटल पोस्टें हैं वो 560 पोस्टें दी गई हैं और इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 28 साल तक दी गई है। तो दोस्तों, आगे हम आपको वीडियो में इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे, आप इसे कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो आपका एग्ज़ाम सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एस के जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नई नई वैकेंसीज़ की डिटेल लेकर आते रहें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं और वहां से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन 6 जुलाई 2021 है और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021 है। तो दोस्तों, इसके लिए जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसका लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके थ्रू आप जो है अपने फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसकी जो ओपनिंग डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 6 जुलाई 2021 है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 27 जुलाई 2021 है। तो दोस्तों, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वारी करनी है तो इसमें आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है जिस पर कॉल करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की। तो इसमें आपको जो सबसे पहली वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर की, टोटल वैकेंसीज इसमें आपको सब इंस्पेक्टर की 87 दी गई हैं। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको कैटेगरी वाइज चार्ट दिया गया है, तो आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर यहां से अपना कैटेगरी वाइज वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, इसमें दोनों के बारे में आपको बताया गया है। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट है आर्म्ड पुलिस कैडर की, इसमें आपको सब इंस्पेक्टर की टोटल 97 पोस्टें दी गई हैं। इसके बाद इसमें आपको कैटेगरी वाइज बताया गया है, तो आप वो यहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें जो आपका इंटेलिजेंस कैडर है, इसमें आपके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की टोटल 87 पोस्टें दी गई हैं और इसके बाद इसमें आपको कैटेगरी वाइज बताया गया है, तो मेल और फीमेल के लिए कितनी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपका इन्वेस्टिगेशन कैडर है उसमें सब इंस्पेक्टर की 289 वैकेंसीज हैं। इसके बाद इसमें आपको कैटेगरी वाइज बताया गया है कि मेल के लिए कितनी है और फीमेल के लिए कितनी है, वो आप यहां से इसका चार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसके पे स्केल की। तो इसमें जो आपको पे स्केल दिया जाएगा वो 35,400 रुपये मिनिमम पे होगा, इसके बाद आपका इससे एक्स्ट्रा भी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, बात करें इसकी इसेंशियल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की। तो इसके लिए जो सबसे पहले है नेशनैलिटी, वो आपकी सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके बाद आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 28 साल तक दी गई है और इसमें कैटेगरी वाइज भी आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी, वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें जो आपकी सबसे पहली पोस्ट है सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर की, इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। और इसके बाद जो आपकी सब इंस्पेक्टर आर्म्ड पुलिस कैडर की है, इसमें भी आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। और इसके बाद जो आपका इन्वेस्टिगेशन कैडर है, इसमें भी आपका ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। और इसके बाद जो आपकी इंटेलिजेंस ऑफिसर की है, इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है और आपके पास जो है शैल ऑल्सो पोसेस एंड ओ लेवल सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद आपको इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो इसका भी इसमें आपको चार्ट दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कैडर आर्म्ड पुलिस और इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस कैडर के लिए आपकी हाइट कितनी रहेगी, मेल और फीमेल इसमें आपको दोनों की दी गई है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें जो आपका पहला स्टेप होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। और इसके बाद जो आपका स्टेज टू है उसमें आपका डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT होगा और इसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट PST होगा।
तो दोस्तों जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया। जैसे ही आप इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको इसका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद जो आपका पेपर टू होगा उसका भी इसमें आपको पूरा बताया गया है, तो आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद इसमें आपको बताया गया है कि इसमें में नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इसके बाद इसमें आपको मिनिमम मार्क्स के बारे में बताया गया है, वो आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो आप इसे डाउनलोड कर अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट PST होगा उसमें जो मेल कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन उनकी 1600 मीटर रेस होगी जो कि आपको 7 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके लिए आपको एक ही चांस दिया जाएगा। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा 3.65 मीटर का जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद हाई जंप होगा 1.10 मीटर का, उसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद इसमें जो आपका एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट है जिनकी एज 35 से अबव है उनके लिए 1400 मीटर वॉक होगी 9 मिनट में और आपको 10 सिटअप्स करने पड़ेंगे 2 मिनट में। तो दोस्तों ऐसे ही जो आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया रहेगा उनके लिए 800 मीटर रेस होगी 5 मिनट में, लॉन्ग जंप होगा 3 मीटर का 3 चांस में और हाई जंप होगा 0.90 मीटर 3 चांस में। तो दोस्तों इसके बाद जो आपका इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कैडर है उसके लिए भी इसमें आपको फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का बताया गया है, वो आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद इसमें आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो आपकी वेरिफिकेशन होगी सर्टिफिकेट्स की उसके बारे में आपको इसमें पूरी डिटेल दी गई है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इसमें जो आपकी जनरल कैटेगरी है एप्लीकेशन फ़ीस 700 होगी और एग्जामिनेशन फ़ीस 800 होगी, तो इसमें आपको टोटल 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और जो एक्स सर्विस मैन है या पंजाब स्टेट के हैं उनके लिए 700 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होगी, एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं लगेगी, तो इसमें आपको 700 रुपये पे करने पड़ेंगे। और जो SC ST ऑल स्टेट्स बैकवर्ड क्लास पंजाब स्टेट्स ओनली हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 700 है और एग्जामिनेशन फ़ीस 200 है, तो उनको 900 रुपये पे करना पड़ेगा। और जो EWS कैटेगरी है उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 700 है और एग्जामिनेशन फ़ीस 200 है, तो ये आपको टोटल 900 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसके बाद इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस बताया गया है जिसमें आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई करोगे, तो आप इस पर क्लिक कर जो है अपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।